एपिसोड 5 की शुरुआत में एरी और जीहून अपनी क्लास ले रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद एरी जीहून से पूछती है, क्या तुम अगली क्लास को स्किप करना चाहोगे? तो जीहून उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। नेक्स्ट क्लास मेरी मेजर क्लास होगी। तो एरी उससे कहती है, कम ऑन, हम फ्रेशमैन हैं, अगर हम अभी क्लासेस स्किप नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तुम्हें इन्जॉय करने का मौका कब मिल पाएगा? ऑल द टाइम तो तुम अपने रूम में रहते हो और बाकी बचे समय में तुम अपनी पार्ट टाइम जॉब करते रहते हो। चलो क्लास स्किप करते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि रियल सियोल कैसा दिखता है। एरी के बार बार जिद करने पर जीहून उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सामने से जेवॉन, यूवॉन और तेयोंग आ रहे थे। यूवॉन उन दोनों से पूछती है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? एरी कहती है, हम दोनों क्लास स्किप करके सियोल में थोड़ी मस्ती करने जा रहे हैं। यूवॉन कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अपने प्रोफेसर को मैसेज ज़रूर कर देना कि तुम क्लास इसलिए नहीं पहुँच पाए क्योंकि तुम बीमार थे। एरी कहती है, ऑफ़ कोर्स, मुझे पता है कि क्या करना है। जेवॉन जीहून की तरफ ही देख रहा था पर वो कुछ कहता नहीं है। यूवॉन कहती है, क्यों ना आज रात हम सब लोग मिलकर मस्ती करें, ये क्लब के सीनियर्स का एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा तुम्हारे साथ। एरी कहती है, हाँ बिल्कुल, प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तेयोंग कहता है, तुम दोनों अपने साथ बिटना को भी ले आना। अब एरी जीहून से पूछती है, जब तुम अपने गांव में थे तो तुम कहाँ से शॉपिंग किया करते थे? जीहून से कहता है, मैं और जूनपियो अक्सर देगू जाया करते थे वीकेंड्स पर, या फिर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया करते थे। तो एरी उससे कहती है, अगर तुम सियोल में वो कपड़े पहनकर घूमोगे जो तुमने ऑनलाइन खरीदे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई दूसरा भी तुम्हें ऐसा मिल जाएगा जिसके पास वो सेम कपड़े होंगे, इसलिए तुम्हें कभी कभी शॉप्स पर आना चाहिए जिससे तुम्हें हिडन जेम्स मिल सके। ऐसा कहकर वो उसे एक जैकेट देते हुए कहती है, जल्दी से इसे ट्राई करके आओ। जीहून उस जैकेट को पहनकर आता है। एरी कहती है, ये तो तुम पर काफ़ी अच्छी लग रही है, आज शाम को सीनियर्स की पार्टी में इसे ही पहनकर चलना। तो जीहून कहता है, पर थोड़ी देर पहले मैं सीनियर्स के सामने कुछ और पहन रहा था, अब मैं शाम को ये पहनकर जाऊंगा तो उन्हें लगेगा कि मैंने स्पेशली पार्टी के लिए इस जैकेट को खरीदा है। एरी कहती है, तुम इतना क्यों सोचते हो, और अपने पैसे अपने कपड़ों पर खर्च करना इसमें कुछ गलत बात तो नहीं है? दूसरी तरफ सीनियर्स आपस में बातें कर रहे थे। तेयोंग यूवॉन से कहता है, क्योंकि तुमने सारे जूनियर्स को इनवाइट किया है तो तुम ही आज रात के लिए पे करना। यूवॉन कहती है, क्या तुम लोग एक दिन अपने जूनियर्स को पार्टी नहीं दे सकते? तेयोंग कहता है, ठीक है फिर हम जेवॉन की मॉम का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेंगे। जेवॉन कहता है, तुम्हारी मॉम का भी तो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं ना। तेयोंग कहता है, मेरी मॉम के पास डेबिट कार्ड है ना कि क्रेडिट कार्ड। तभी यूवॉन कहती है, चुप रहो तुम दोनों, जो भी बिल बनेगा हम तीनों आपस में बांट लेंगे। अब वो जीवन से कहती है, तुम जूनियर्स को आज रात की पार्टी के लिए कॉल तो करो। दूसरी तरफ एरी जीहून के साथ लंच कर रही थी। वो लंच करने से पहले फोटोग्राफ क्लिक करने लगती है। जीहून कहता है, क्या अब मैं खाना खा सकता हूँ? तो एरी कहती है, नहीं, पहले तुम मेरी फोटोग्राफ क्लिक करो। जीहून अब उसकी फोटोग्राफ क्लिक करने में लग जाता है। एरी उन फोटोज़ को देख कर कहती है, क्या तुम्हें बेसिक फ़ोटोज़ भी क्लिक करना नहीं आता? सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए फ़ोटोज़ में थोड़ी वाइब होनी चाहिए। फ़ोन को नीचे से पकड़ो, फिर मेरे फोटोग्राफ को क्लिक करो। जीहून फिर उसके फोटोग्राफ्स क्लिक करने में लग जाता है। दूसरी तरफ जेवॉन कहता है, मैंने जीहून को मैसेज किया है पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, शायद वो दोनों साथ में काफ़ी मज़े कर रहे होंगे। यूवॉन कहती है, मैसेज क्यों किया, तुम डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं कर रहे हो? तो जेवॉन कहता है, पर मैंने पहले कभी उसे कॉल नहीं किया है। तेयोंग कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो जो तुम्हें उसे कॉल करने में इतनी शर्म आ रही है? जीवन कहता है, ऐसी बात नहीं है, पर अगर मैं जीहून की जगह होता और मेरा सीनियर मुझे कॉल करता तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता। यूवॉन कहती है, जल्दी उसे कॉल करो। तो जीवन कहता है, ठीक है मैं बाहर जाकर कॉल करता हूँ। यूवॉन और तेयोंग कहने लगते हैं, तुम बाहर जाकर क्यों कॉल कर रहे हो, हमारे सामने बात नहीं कर सकते? एरी ने अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर दी थी। वो जीहून से कहती है, तुम जल्दी से मेरे फ़ोटोज़ को लाइक करो। जीहून कहता है, मेरे पास सोशल मीडिया अकाउंट तो है लेकिन। तभी एरी उसका फ़ोन छीनते हुए कहती है, ये भी मुझे ही करना पड़ेगा, तुमने आज तक एक भी पोस्ट नहीं डाली। एरी उसके अकाउंट से अपने फ़ोटोज़ को लाइक कर लेती है और एक दूसरे को फॉलो भी कर लेती है। तभी जीवन का कॉल आने लगता है। एरी कहती है, जीवन सन भी तुम्हें कॉल कर रहे हैं। जीहून कहता है, मैं बाहर जाकर बात करके आता हूँ। जीहून बाहर जीवन का कॉल पिक करता है। जीवन कहता है, मैंने आज रात के डिनर के लिए तुम्हें लोकेशन सेंड की थी पर तुमने मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। जीहून कहता है, सॉरी मैंने मैसेज चेक नहीं किया होगा। जीवॉन कहता है, कोई बात नहीं, अब चेक कर लेना, मैं तुम्हें लोकेशन और टाइम भेज रहा हूँ। रात के समय तीनों सीनियर्स आपस में बात करने लगते हैं। इस बार के फ्रेशमैन बिल्कुल अलग हैं। तभी एरी और जीहून वहाँ पहुँच जाते हैं। बिटना नहीं आई थी। ये देखकर तेयोंग पूछता है, बिटना तुम्हारे साथ नहीं आई?
एरी कहती है बिटना के आज रात कोई और प्लान्स थे। टेयोंग कहता है ये तो गलत बात है, हम जब फ्रेशमैन थे और हमारे सीनियर्स इस तरह हमें ड्रिंक पर बुलाते थे तो हम सबसे पहले प्रायोरिटीज अपने सीनियर्स को ही देते थे। अब वो सब लोग मिलकर ड्रिंक करना शुरू करते हैं। जेवॉन कुकिंग कर रहा था तो जीहू उससे कहता है मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ। टेयोंग एरी से कहता है तुम लोग आर्ट स्कूल से हो ना, तो तुम्हें जॉब एप्लीकेशंस के लिए तो अप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा, तुम इस चीज़ से फ्री हो। एरी कहती है हाँ लेकिन हमारे फ्यूचर को लेकर हमें चिंता होती है। टेयोंग अब युवॉन से पूछता है तुम इस साल क्या करने वाली हो, तो युवॉन कहती है मैं ग्रेजुएट होने तक स्कूल में ही रहूँगी। अब वो जेवॉन से पूछती है तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हो ना जेवॉन। टेयोंग उससे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें जेवॉन की चिंता करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। एरी कहती है आपने ऐसा क्यों कहा सनबे, तो टेयोंग कहता है जेवॉन के फादर की कंपनी हर साल 150 बिलियन वॉन बनाती है, उसे तो अपने फ्यूचर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेवॉन कहता है तुम्हें मेरे फादर की कंपनी के बारे में मुझसे भी ज़्यादा कैसे पता है, तो टेयोंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे फादर के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता रहता हूँ। तुम काफ़ी लकी हो जेवॉन, अच्छा है कि तुम्हारी कोई भाई बहन नहीं है वरना बिजनेस को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते। ये सुनकर जेवॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो कुछ कहता इससे पहले जीहू उसे रोक देता है। टेयोंग कहता है क्या हुआ जेवॉन तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तभी एरी टेयोंग से पूछती है क्या आप बिटना को पसंद करते हैं, तो टेयोंग कहता है मुझे लगता है हम दोनों के बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन है। क्या बिटना ने तुमसे कभी मेरे बारे में कुछ कहा है, एरी कहती है नहीं उसने आपके बारे में तो कभी कोई बात नहीं की। तभी जीहू कहता है इसका मतलब वो आपको पसंद नहीं करती, क्योंकि अगर हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को तो कम से कम बताते ही है ना। बिटना ने आपके बारे में कुछ नहीं कहा इसका मतलब वो आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखती। एरी कहती है हाँ और बिटना वैसे भी लड़कों के फेस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देती है, ऐसा नहीं है कि आप हैंडसम नहीं हैं पर फिर भी वो कुछ ज़्यादा ही पिकी है। हाँ पर एक बार उसने जेवॉन सनबे के बारे में बात ज़रूर की थी। अब उन लोगों के घर जाने का समय था, जेवॉन ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। वो जीहू से पूछता है क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है, जीहू कहता है हाँ मेरी एक छोटी बहन है। जेवॉन कहता है अच्छी बात है हमेशा उसके साथ अच्छे से पेश आना। तभी जीहू कहता है क्या हुआ सनबे आज आप बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। जेवॉन कहता है अजीब बिहेव कर रहा हूँ मतलब, जीहू उसका कोई जवाब तो नहीं देता पर वो जेवॉन के साथ ड्रिंक करना शुरू कर देता है। तभी युवॉन कहती है जेवॉन इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहा है, टेयोंग कहता है हाँ फ्रेशमैन ईयर के बाद आज उसे इतना ज़्यादा ड्रंक देखा है। युवॉन कहती है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे घर छोड़कर आने की, तो टेयोंग कहता है मैं क्यों जाऊँ मैं जेवॉन से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रहता हूँ। युवॉन कहती है पर जेवॉन ने कई बार तुम्हें ड्रंक हालत में घर तक छोड़ा है तुम उसे छोड़ने नहीं जा सकते। जीहू एरी से पूछता है एरी क्या तुम अकेले घर चली जाओगी, एरी कहती है कोई बात नहीं मैं चली जाऊँगी। जीहू जेवॉन को घर छोड़ने के लिए जाता है, जीहू कहता है आप इतने ड्रंक कैसे हो सकते हैं, तो जेवॉन कहता है क्या तुमने कुछ कहा, जीहू कहता है कुछ नहीं मैं बस कह रहा था कि आप ड्रंक हालत में भी कितने क्यूट लगते हैं। जेवॉन कहता है ड्रंक हालत में भी मतलब, इसका मतलब मैं बाकी समय भी तुम्हें क्यूट लगता हूँ, जीहू कहता है हाँ आप बहुत क्यूट हैं। अब आप प्लीज़ इसे ड्रिंक कर लीजिए और अपना थोड़ा नशा उतार लीजिए, आपके पेरेंट्स ने आपको इस हालत में देखा तो ठीक नहीं होगा। जेवॉन तुरंत उस ड्रिंक को पी लेता है। जीहू कहता है अब मैं चलता हूँ अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करिएगा। जेवॉन अचानक जीहू को पकड़ लेता है और उसे हग कर लेता है। जीहू कहता है क्या हुआ कहीं आप आज भी तो मुझे किस नहीं करने वाले हैं ना, तो जेवॉन कहता है मैंने तुम्हें कब किस किया था। जीहू कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब जेवॉन की आँखें खुलती हैं तो उसके फादर दरवाजे पर खड़े थे और उसे बहुत डांट रहे थे। तभी उसे पास्ट का कुछ याद आता है, जेवॉन का एक छोटा भाई था जो उससे बहुत प्यार करता था, वो जेवॉन के बर्थडे वाले दिन उसके लिए कैमरा लेकर आया था। वो जेवॉन से कहता है मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर बने, आगे जाकर मैं आपको इससे भी अच्छा कैमरा ला कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो कैमरा टूट चुका था और जेवॉन उसे देखकर बहुत रो रहा था। जेवॉन कह रहा था कि आपको पता भी है कि जिस दिन मेरे लिए ये कैमरा लेकर आया था। उस दिन जब वो बाहर निकलता है तो वो जीहू को कॉल करते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ बीच पर चलोगे, जीहू उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जेवॉन फिर उसी लेडी के पास आता है, वो लेडी उससे कहती है जब फर्स्ट टाइम तुम मेरे पास आए थे तो हॉस्पिटल में किसी को भी नहीं लगा था कि तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड मैनर और जिस तरह तुम बात कर रहे थे तुम मैच्योर लग रहे थे जिसे बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाया गया है।
ऐसा लग रहा था कि तुम वो नहीं कर पा रहे हो जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि तुम अपने पेरेंट्स को निराश नहीं करना चाहते। तुम सबकी नज़रों में एक अच्छा इंसान बनने की बहुत कोशिश करते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ तुम्हारे यंगर ब्रदर की वजह से भी हो सकता है? तुम्हारा यंगर ब्रदर जिसका एक्सीडेंट हो गया और उस वक्त तुम भी उसके साथ थे। शायद तुम्हें ये लगता है कि तुम अपने भाई को बचा सकते थे, इसलिए तुम अपनी लाइफ को जीने में स्ट्रगल कर रहे हो, पर तुम्हें सच के साथ जीना ही होगा। जीवन कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो वो लेडी उससे कहती है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है जिसके साथ तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? जीवन कहता है हाँ, मैंने अभी अपना एक नया दोस्त बनाया है। तो वो लेडी कहती है तुम्हें अपने उस नए दोस्त के साथ कैसा फील होता है? जीवन कहता है मुझे उसके साथ बहुत कम्फर्टेबल फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और बनने का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, उसके सामने मैं वही बन सकता हूँ जो मैं हूँ। वो लेडी कहती है फिर तुम उसके साथ अपने इस रिश्ते को और गहरा क्यों नहीं करते? जीवन कहता है मैं कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन लेकर उसे दुखी नहीं करना चाहता। वो लेडी कहती है तुम्हारे कहने से लगता है कि उसके साथ होकर तुम्हें काफ़ी आरामदायक फील होता है। मैं सच में चाहूँगी कि तुम उस लड़के के साथ अपनी रिलेशनशिप को और गहरा कर सको। क्या तुम्हारे डैड अभी भी अग्रेसिव हैं? जीवन कहता है हाँ। वो लेडी कहती है इतने सालों में भी वो बिल्कुल नहीं बदले। तभी जीवन कहता है इस महीने मेरे पास काफ़ी सारे असाइनमेंट्स हैं, तो मैं बार बार नहीं आ पाऊँगा। क्या आप मुझे एक महीने तक का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखकर दे सकती? वो लेडी कहती है मेरे पास भी काफ़ी काम है, पर मैं तुम्हें 3 हफ्तों का दे देती हूँ। जीवन उसे थैंक्स कहता है और वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।